अभी तक नहीं आए, पता नहीं कहाँ रह गए हैं। अबे क्यों बुलाए यार? दो मिनट रुक, उस आशिक को भी आने दे। हाँ बेबी, हाँ सुबह सुबह वॉक पे गया था, आप गए थे? तो खा लिए थे, आपने खाए थे? एक मिनट, हाँ भाई क्यों बुलाया? गाइस, तो कल से वेकेशन स्टार्ट हो रही है, मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम ट्रिप पर चले, वो भी शिमला। वहाँ तो पहाड़ी पहाड़ होंगे और वहाँ पे जाके ना जिंदगी ना मिलेगी दोबारा जैसे फील भी लेंगे, और गाड़ी से हाथ बाहर निकाल के ना ऐसे भी करेंगे और वाइब भी आ जाएगी, क्या बोलते हो? हाँ बेबी, अरे टाइम पास कर रही है सुबह सुबह, आप बताओ आप क्या कर रहे हो? इग्नोर कर रहे हो? अबे जाएंगे किसी गाड़ी पे? मेरे पापा की। मेरे पापा की? गणपति पापा मोरिया। अरे साहिबा बेटी ये लो प्रसाद लो, बता क्या हुआ? पापा वो कल ना हमें शिमला जाना है, तो अपनी गाड़ी की चाबी ना मुझे दे दो। चाबी? अरे बेटा कल मैं अपनी गाड़ी लेकर हरिद्वार जा रहा हूँ, अपने जिंदगी के सारे पाप मिटा दूंगा। मैं तो कहता हूँ तुम दोनों भी मेरे साथ चलो, अपने जिंदगी के सारे पाप मिटाओ, जिससे तुम्हें दिमाग में संतुष्टि मिलेगी और दिमाग शांत होगा। चलो। नहीं नहीं पापा, आप जाओ हरिद्वार और गाड़ी की चाबी भी ना आप अपने पास ही रखो। ये ले बेटा प्रसाद। तू सही कह रहा था, मेरा पाप ही कंजूस है। अब ये बता प्लान ऑन है या प्लान? तू टेंशन मत ले, प्लान ऑन ही है। पापा ने चाबी नहीं दी तो क्या हुआ, रेंट की गाड़ी आ जाएगी, पैसा बहुत है, बस प्यार चाहिए। अच्छा वो सब छोड़, प्लान ऑन है, कल मिलते हैं पूरे 12 बजे। और सुन उस आशिक को भी बता दियो। डन 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 डन, चल। मैं तो रस्ते से जा रहा था, तड़ड़ड़ड़ड़, चलो ट्रिप पे। ये क्या लाया? ये मम्मी ने ना फैन और मट्टी दी थी, ट्रिप पे काम आएगी ना यार। इसको ना फेंक गाड़ी में, फुक्के का बैग रख, फुल छल्ले बनाते हुए जाएंगे। और वो आशिक कहाँ है यार? पता नहीं यार। अरे बस अभी ट्रिप के लिए निकल ही रहा हूँ, बेबी मेरे को क्या जरूरत है सामान ले जाने की, हम ऐसे ही चलते हैं। चले? हाँ चलो। अबे चिल्ड बियर कहाँ है? चिल्ड बियर होता है। और गाइस मैं ना गानों की प्लेलिस्ट भी बना ली है, फुल सुनते हुए जाएंगे। चलो गाइस मेरे बैग उठाने में हेल्प तो करवा दो। अबे ओ पागल, हफ्ते के लिए ना 2 दिन के लिए जा रहे हैं शिमला, इतना सारा सामान, पागल है यार। तुम भूल गए हो क्या मैं एक लड़की हूँ, इस बैग में मेरे क्रॉप टॉप है, इसमें ट्यूनिक टॉप, इसमें शॉर्ट्स, इसमें लिपस्टिक और इसमें स्लीपर्स। चलो भाई रख। चलो रख दियो, मैं गाड़ी में जा। गाइस तो मैंने होटल की बुकिंग कर ली है, तो कोई बीटी नहीं है, पर यार मेरे ना सारे पैसे खत्म हो गए, तुम आज जाते ही ना हम काउंट्री कर लेंगे। अरे टेंशन तो ले रही है काउंटी की यार, पैसे की टेंशन मत लिया कर। ओ डन डन, तेरे पैसे हर बार लेट आते हैं, टाइम पे दे दियो इस बार। ठीक है ठीक है। यार साहिबा सुन यार, 2-3 दिन के लिए हम शिमला जा रहे हैं, बेबी को मिस करूंगा, प्लीज यार बेबी के घर के वहाँ से ले ले, सिर्फ उसको सी ऑफ करना है यार, प्लीज यार प्लीज। चल रो मत, चल। थैंक यू। हाँ भाई कर ले सी ऑफ अपनी बेबी को। हाय बेबी। हाय नहीं बाय होता है, बाय। तुझे क्या हुआ? बाहर निकल। अबे क्या हुआ? बाहर निकल। अबे निकल। अबे बंद हुआ क्या? उठ उठ उठ। लेकिन हुआ क्या? अरे लेकिन हुआ क्या? जब तुझे पता है मुझे तेरी बंदी बिल्कुल नहीं पसंद, तो क्यों जाएगी ट्रिप पे? अरे तुझे पसंद नहीं, मुझे तो पसंद है भाई। आपकी रिपोर्ट। मैं नहीं जा रही यार। अबे क्यों? अबे क्या करता, उसने मेरे को रात को मैसेज किया कि बेबी मैं भी चलूं। अब बेबी को थोड़ा मना कर सकता हूँ यार, उसने कहा मेमोरीज बननी है, उसको मजा आएगा। वाह बेटा वाह, मतलब पूरी ट्रिप में मैं ड्राइवर बन के गाड़ी चलाऊं और ये महाशय मेरे साथ बैठे, और तू और तेरी बंदी पीछे आशकियां करो।
ऐसे एक शर्त पर जाएगी वो। मंजूरा बोल, बता बता बता। गाड़ी तू चलाएगा और वो तेरे साथ बैठेगी और हम दोनों पीछे चिल करेंगे। डन डन डन। बेबी जल्दी चलो ना, लेट हो रहा है। बेबी ऐसे आपको आने में दिक्कत तो नहीं हुई? साइबर एसी चला दो कि मेरे को गर्मी लग रही है। अपनी ना माँ को बोले एसी लगवा देगी आगे। अरे साइबर उसको गर्मी लग रही है, एसी चला देना। नहीं चला रही मैं एसी। अरे बेबी छोड़ो, गुस्सा मत लो, गाड़ी में शीशा लगा है, इसको नीचे करो, नेचुरल हवा आएगी। ओके रिपोर्ट। यार साहिबा ये तूने सॉन्ग्स की प्लेलिस्ट बनाई रखी थी ना यार, वो चला दे प्लीज। एपी डिल्लो के गाने? हाँ। नहीं नहीं मेरे को एपी डिल्लो नहीं सुनना, मेरे को सिद्धू बाबू के गाने सुनने हैं। मेरा ना म्यूजिक सिस्टम खराब हो गया। साहिबा चला देना गाना यार, मैं ही लगा रही कोई गाने। अब बेबी ना ये थोड़ी कल्पी रहती है, आप ऐसा करो मन में गाना गा लो। ओके रिपोर्ट। यार तुम्हें गाना की पड़ी है, हम रास्ता भटक गया और गूगल मैप्स ना काम नहीं कर रहा, बताओ क्या करें। साहिबा एक काम कर, वो देख सेक्सी सा बंदा खड़ा है, उसे बुला ले। एक्सक्यूज मी, या वो एक्चुअली ना हम शिमला का रास्ता भटक गए हैं, तो क्या आप हमें बता दोगे? ओह शिमला, नाइस। यू गो स्ट्रेट, देन देयर विल बी राउंड अबाउट, टेक द फर्स्ट लेफ्ट एंड यू विल शिमला। समझ आ गया आप लोगों? ओके, डू वन थिंग, मेरी ऑडी घड़ी है पीछे, तो 20 किलोमीटर तक आप मेरे को फॉलो कीजिए एंड आई टेक यू टू शिमला। नहीं आपको पे लेने की कोई जरूरत नहीं है। नॉट एन इशू। चलिए काम कीजिए, मेरे बॉडीगार्ड खड़े हैं 1.5 किलोमीटर तक, तो आप किसी से पूछ लीजिए, दे विल टेल यू। जस्ट टेक माय नेम। व्हाट इज योर नेम? पुरु। बाय पुरु। बाय गाइस। ओके थैंक्स मैन। यार कितना हॉट बंदा था। मैं तेरी हॉट के चक्कर में गाड़ी ठुक जाएगी, सीधी चला। कितना हॉट लड़की थी, मालिक का शर्ट और पैंट तो काम कर गया रे पापा। तो सामने देख टोल टैक्स भी आ गया। टोल टैक्स आ गया? यार टोल टैक्स आ गया, टोल टैक्स में तो पैसे देने पड़ते हैं, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, क्या करूं? आइडिया, साहिबा गाड़ी रोक, मेरे को ना सुसु जाना है। साहिबा यार सही में मेरे को भी सुसु आया, गाड़ी रोक देना यार। अच्छा जाओ। आ जाओ बेबी, 2 मिनट वेट करना, आगे मिल जाएंगे हम। आगे चलते हैं वहां से। अरे क्या हुआ रजत जी, यहाँ क्यों छुपे हो? अरे पुरु तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे मैंने आपको देखा आप यहाँ पे छुपे हो, तो मैं आ गया पूछने, क्या हुआ? अरे देखो पता तो है, 200 का ट्रिप पे निकला था तो टोल टैक्स आ गया, टोल टैक्स से बचने के लिए तो यहाँ छुप गया, इसमें पैसे नहीं देने पड़ेंगे ना। अरे भैया मैं आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताता हूँ जहाँ पे आप 100 रुपए से 10,000 रुपए तक कमा सकते हैं। आपको सर एक ऐसे ब्रोकर रजिस्टर करना है जो आपकी ट्रेडिंग में हेल्प करेगा और आपकी ट्रेडिंग एक्सपीरियंस को बेटर करेगा। ये कौन सा प्लेटफॉर्म है? IQ ऑप्शन, इसमें आप मिनिमम $10 से ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये देखो करके दिखा। आपको एक एसेट चूज करना है, उसके बाद आपको ये फोरकास्ट करना है कि चोजन एसेट की वैल्यू इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। अब मेरे को लगाया कि इंक्रीज होगी तो मैंने $10 अप पे ट्रेड कर दिए। अब आपको वेट करना है, वेट वेट वेट। यस मेरा फोरकास्ट एकदम करेक्ट निकला और मेरे को प्रॉफिट हो गया। यही नहीं, जीता हुआ अमाउंट आप इजीली 24 घंटे के अंदर अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हो। बट अगर दिक्कत होगी तो? अरे कोई दिक्कत नहीं है, 24/7 कस्टमर सपोर्ट और टोल फ्री कॉल्स का ऑप्शन भी है। और यही नहीं, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको एक डेमो अकाउंट भी मिल सकता है जिसमें आपको $10,000 मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। तो इतना क्यों सोच रहे हो, आई के ऑप्शन को डाउनलोड करो, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अभी जाकर डाउनलोड करता हूँ। बट तू इन लाइन में कब से? अरे एक्चुअली ना पापा ने इसी प्लेटफॉर्म यूज करके अपना बिजनेस खड़ा किया था, तो मैं सबको बताता रहता हूँ। अच्छा ठीक है। ऐसे कैसे लेगा टोल टैक्स, अपनी भी कोई बातचीत है। भैया कितना टोल टैक्स हुआ? लाओ 100 रुपए। भैया मेरे बाप को जानते हो? अरे मैं क्या जानू। मेरी माँ को जानते हो? मैं कैसे जानू। मेरे खानदान को जानते हो? अरे भाई घरेलू पंडित हूँ क्या तेरा? सॉरी यार किसी को नहीं जानता, टोल टैक्स तो देना पड़ेगा। एक मिनट, आवाज जानी पहचानी नहीं लग रही। एक मिनट शक्ल दिखाना। पुरु तेरे पास तो ऑडी थी ना, तू यहाँ पे क्या काम कर रहा है? अरे नहीं नहीं वो साहिबा क्या है ना कि पापा की आखिरी निशानी थी ये,
वो टोल टैक्स पे काम करते थे ना, तो अभी डब्बा डब्बा बचा है, पापा तो है नहीं, तो मैंने कहा कि खानदान के बिजनेस को आगे बढ़ाओ। सच अ हम्बल पर्सन, कितने अच्छे पिताजी थे, देख रहे कितना अच्छा है। बहुत अच्छा। और कितना हो गया टोल टैक्स? आप 50 दे दो। वैसे तुमने टोल टैक्स दे दिया था? हमने सूसु भी कर लिया था। गाइस, मैं गाड़ी चला जाके ना बहुत ज्यादा थक गई हूँ, तो एक काम करते हैं, आज कहीं यहीं आसपास स्टे कर लेते हैं। वैसे भी शिमला 50 किलोमीटर ही दूर है, कल सुबह चल लेंगे यार। ठीक है, नो प्रॉब्लम, सुबह चल लेंगे। हाँ यार, यार वैसे हमारा पर्सनल रूम होगा ना? नहीं, एक ही रूम है। रूम मत, दो रूम ही करवाए हैं। है तो दो रूम। सर, आपकी बेडशीट पे दाग थे, इसलिए मैं आपसे 500 रुपए मांग रहा हूँ। We have a booking over here. हाँ जी मैम, बताइए प्लीज। पुरु, तू यहाँ पर भी, और वो भी रिसेप्शनिस्ट। मैम एक्चुअली ना मेरे पापा भी हनीमून मनाने शिमला ही आए थे और इसी होटल में रुके थे, तो मैं यहीं की पैदाइश हूँ, तो मेरे को ये काम तो करना ही था मैम, इसलिए। सच अ डाउन टू अर्थ पर्सन ना। यार ये सीरियसली कितना मल्टी टैलेंटेड बंदा है यार। वो आप कुछ रूम बता रहे थे? या वी हैव अ बुकिंग। हाँ जी, हाँ जी, 704 एंड 705, ये लीजिए आपकी कीज और मैं डिस्काउंट करवा दूंगा आपके लिए। थैंक यू। थैंक यू। चाबी हमें दे, आजा बेबी। या बेबी। चलो आओ बेबी, जल्दी जल्दी चलते हैं। ओके साहिबा, मिलते हैं 12 बजे। हाँ जाओ। हमारा रूम कहाँ है? अरे वो रहा साहिबा। अरे बेटा, कितनी बार देखो सारी पोजीशन बताऊं, बार बार थोड़ा बताऊंगा, फिर कहता है मुझे बुला लो, अच्छा करता हूँ। चुप कर, कुछ नहीं आता तुझे। पापा की आवाज। पागल है क्या? पापा हरिद्वार गए अपने पाप धोने, जो गंदे गंदे पाप किए, यहाँ क्या करेंगे शिमला में, पागल वाली बातें। आई एम डैम श्योर कि पापा की आवाज ही है। तू थक गई है पूरी रात गाड़ी चला के, जो गाड़ी चलाई है ना, थक गया, आराम कर, चल आ चले। मेरे को चेक करने दे। कर ले भाई। अरे रूम सर्विस वाले। पापा, अरे बेटा, कल मैं अपनी गाड़ी लेकर हरिद्वार जा रहा हूँ, अपने जिंदगी के सारे पाप मिटा दूंगा। मैं तो कहता हूँ तुम दोनों भी मेरे साथ चलो, अपने जिंदगी के सारे पाप मिटाओ, जिससे तुम्हें दिमाग में संतुष्टि मिलेगी और दिमाग शांत होगा। चलो अंकल जी, तेल लगाऊं या क्रीम? अरे यार, ये कितना मल्टी टैलेंटेड बंदा यार, सच्ची यार। मैम एक्चुअली Hey guys, I hope आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है, तो आपको पता है आपको क्या करना है, आपको जाके अभी चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट करके बताना है अपना सबसे फेवरेट पार्ट। एंड वीडियो को जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर करो। एंड यस गाइस, अभी जाके IQ ऑप्शन आपको डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मुझे इंस्टा पर जाके फॉलो करो और जल्दी से 1 लाख सब्सक्राइबर करवाओ, जल्दी प्लीज। थैंक यू, बाय।